सर, आदि पुरुष फिल्म को लेकर पूरे देश में बवाल हो रहा है, को लेकर ये बवाल कर रहे हैं, तो क्या है ये पूरा मामला सर? देखिए साहब, आदि पुरुष नाम की जो फिल्म बनाई गई है वो फिल्म लगभग रामायण के आधार पर बनाई गई है। उसमें जो भी दर्शाया गया है रामायण है, उसमें आदि पुरुष फिल्म में जो पात्र बनाए गए हैं, चाहे प्रभु श्री राम का पात्र हो, हनुमान जी का पात्र हो, या फिर रावण का पात्र हो, जो भी पात्र बनाए गए हैं, उन पात्रों में बहुत बड़े स्तर पर फेरबदल किया गया है। देखिए साहब, फिल्म कोई सामान्य चीज़ नहीं होती है। फिल्में, आज की फिल्म कल का इतिहास बनेगी। फिल्में दो तरह की होती है, एक तो फिल्म होती है जो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई जाती है। अब आप अगर कोई मनोरंजन के लिए फिल्म बना रहे हैं तो आप मर्जी आए वैसे बनाओ, किसी को कोई दिक्कत नहीं। दूसरी फिल्म होती है जो इतिहास पे बनती है, हमारे महापुरुषों पे बनती है, हमारे देवी देवताओं पे बनती है, भगवानों पे बनती है। तो उस फिल्म के अंदर आप किसी का पात्र परिवर्तन नहीं कर सकते। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे रामानंद सागर जी ने रामायण बनाई और हमारे वो क्या था चोपड़ा साहब, बीआर चोपड़ा साहब ने महाभारत बनाई, तो उन्होंने महाभारत और रामायण में जो पात्र बनाए, आज हम जब भी अपने मन में भगवान राम की कल्पना करते हैं तब अरुण गोयल जी का सेहरा हमारे सामने आता है, उन्हें हम भगवान के रूप में देखते हैं। हम श्री कृष्ण को, भगवान कृष्ण की कल्पना करते हैं तो महाभारत में जो कृष्ण भगवान का पात्र था वो हमारे सामने आते हैं, उनको हम कृष्ण भगवान मानते हैं। तो आज ये जो आदि पुरुष फिल्म बनी है, इसमें हनुमान जी को मौलाना की तरह बना दिया गया है, भगवान राम को बना दिया गया है, उनको कपड़े वेशभूषा उनकी बदल दी गई है। अब रावण है तो रावण को भी इस तरह से दर्शाया गया है, समकादर पे बैठा दिया गया है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक सनातन संस्कृति के साथ दुस्साहस करने का काम कर रही है, सनातन संस्कृति को तहस नहस करने का काम कर रही है। ये जितने भी फिल्मी भांड है, इन ये विदेशों से फंडिंग लेकर के सनातन संस्कृति को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। अब आप कहोगे कि इस फिल्म से संस्कृति कैसे मिटेगी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से रामायण और महाभारत के पात्र हमारे दिल दिमाग में सेट हुए हुए हैं, इसी तरह आज जो ये बन रही है आदि पुरुष फिल्म, 10 साल 20 साल 50 साल बाद हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ होगी, उन पीढ़ियों के दिमाग में, दिल में ये हनुमान जी सेट हो जाएंगे जो आदि पुरुष में है, जो ये राम सेट हो जाएंगे जो आदि पुरुष में है। और आदि पुरुष में हनुमान जी कैसे है, मौलाना की टाइप दिख रहा है, यानी मतलब दाढ़ी है, मूंछे नहीं है, बाल इस तरह के बनाए हुए है, हनुमान जी के ऊपर वो चमड़े का जो भी है पहनाया हुआ है, तो वो तो नहीं पहनते थे हनुमान जी। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा मतलब नैरेटिव तैयार करना चाहते हैं कि आने वाली 10-20 साल बाद की जो पीढ़ियाँ है वो ये सोचते कि रामायण महाभारत में भी मुस्लिम समाज के लोग थे, मुगल समाज के लोग थे, हिंदुओं के कोई थे ही नहीं, इस तरह का नैरेटिव तैयार करने के लिए ये लोग एक बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं। तो हम लोग जितने भी इस देश के राष्ट्रवादी हैं, जितने भी इस देश के हिंदुत्ववादी लोग हैं, इस देश को मानने वाले हैं, राष्ट्रभक्त हैं, उन सबका बड़े स्तर पर कड़ा विरोध है। आदि पुरुष फिल्म को किसी स्तर पर हम रिलीज नहीं होने देंगे, और अगर रिलीज कर दिया तो हम विरोध करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, सिनेमा में चालू नहीं होने देंगे, यहाँ पर लागू नहीं होंगे।